बात कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन का डोरमेट जिसके लिए हमने दो प्रकार की ये उल ली है ठीक है थीके? आप इसे साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं अगर आपके पास ऊल नहीं है तो आप साड़ी चुन्नी को आ, से बना सकते हैं उसमें आपको लेनी होंगी एक इंचस की पट्टी और पट्टी के अकॉर्डिंग लेनी होंगी सलाइयाँ ठीक है और सलाइयाँ देखिए आप जब भी पट्टी कट करें ना एक इंचेस की पट्टी कट करें तो मैं यहाँ पर डोरमेट ऊल ले रही हूँ तो ऊल से बनाऊँगी देखिए इस तरीके से सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए फंदे डालने होंगे इस तरीके से आप फंदे डालिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से एक नोट लगाएंगे ठीक है इस तरीके से एक नोट लगाएंगे उसके बाद देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह ठीक है इस तरीके से हमने इसमें टोटल अठारह फंदे डाले अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे एक रो कंप्लीट करेंगे देखिए एक दो यहाँ पे हम फंदे को बहुत आराम से बुनेंगे क्योंकि इस तरीके से जो हम फंदे डालते हैं उसमें हमें बहुत आराम से बुनाई करनी होती है लेकिन ये फंदे डालने में बहुत ही ज़्यादा ईजी और आसान होते हैं तो देखिए इस तरीके से आसानी से आप बना सकते हैं डोरमेट बिल्कुल विल-- विघनर है आपको बिल्कुल भी बनाना नहीं आता है तो आप आसान तरीके से यहाँ पे डोरमेट बना सकते हैं तो देखिए यहाँ से इस तरीके से यहाँ से हम सभी फंदों को बुनेंगे आप देखें यहाँ पे हमने उल्टा और सीधा दोनों साइड से हमने यहाँ पे एक रो बना ली ठीक है उल्टी और सीधी साइड से दोनों साइड से अब यहाँ पे किनारे पे देखें इस तरीके से देखें यहाँ पे एक फंदा लगाएंगे एक दो तीन तो तीन फंदे हमने यहाँ पे किनारे पे बुने उसके बाद देखें यहाँ से एक चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह देखिए इस तरीके से सभी फंदों को बुनेंगे यहाँ से हम किनारे का फंदा सीधी साइड से ले लेंगे ठीक है इस तरीके से अब यहाँ से हम पलट देंगे देखिए पलटने के बाद यहाँ पे इसे उतारेंगे और नेक्स्ट पंदे से देखिए इस तरीके से हमें सभी पंदों को जो जैसा है वैसे ही हमें बुनना है ठीक है यहाँ से देखिए इस तरीके से अब यहाँ से पलट देंगे पिंक कलर को आगे की साइड लेंगे देखिए एक और दो तो, ये किनारे का फंदा सीधी साइड से ठीक है अब यहाँ से फिर से हम पलट देंगे यहाँ पे इसे उतारेंगे और नेक्स्ट फंदे से देखिए यहाँ पे दो तीन तो ये तीनों फंदे हम बुनेंगे अब यहाँ से देखें एक दो तीन तीन फंदे हम यहाँ पे फिर से बुनेंगे आगे की साइड और यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और यहाँ पे चार फंदे छोड़ते हुए एक साथ में यहीं से पलट देंगे ठीक है चार फंदे छोड़ेंगे पलट देंगे अब एक दो तीन चार पाँच सात आठ और सीधी साइड से देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच और सीधी साइड से लेंगे छः, ठीक है अब यहाँ पे हमने छः फंदे बुन लिए अब पलट देंगे सीधी साइड से इसे उतारेंगे और नेक्स्ट फंदे से देखिए एक दो तीन चार पाँच और छः, छः फंदे हमारे फिर से हो गए यहाँ पे एक देखिए एक दो तीन तीन फंदे हमने फिर से बुने और यहाँ से नीचे की साइड पे एक दो और यहाँ पे तीन फंदे छोड़ेंगे यहीं से पलट देंगे ठीक है अब यहाँ से ऊपर की साइड एक दो पलट देंगे इसे हम आगे की साइड लेंगे यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और सीधी साइड से नौ पलट दिया आप देखिए यहाँ से इसे उतारेंगे और नेक्स्ट फंदे से देखिए एक दो तीन देखिए चार पाँच आप यहाँ पे तीन फंदे हम फिर से छोड़ेंगे और यहीं से पलट देंगे इस तरीके से अब ऊपर की साइड देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच और सीधी साइड से छः पलट दिया इसे उतारेंगे और नेक्स्ट फंदे से एक दो तीन फंदा फिर से छोड़ेंगे तीन फंदा बुनेंगे पलट लेंगे आप सीधी साइड से देखें यहाँ पे एक दो पलट दिया इस तरीके से यहाँ पे हमने इन सभी फंदों को बुन लिया आप यहाँ से देखें फिर से यहाँ से हम येलो कलर को लगाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और देखिए यहाँ पे दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह देखिए अब यहीं से हम पलट देंगे ठीक है एक फंदा नीचे की साइड छोड़ते हुए यहीं से हमें पलट लेना है अब ऊपर की साइड हम यहाँ पे कंप्लीट फंदे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और यहाँ से सीधी साइड से सत्रह ठीक है अब यहाँ पे हमने सभी फंदों को बुन लिया अब यहाँ से देखें यहाँ से हम फिर से इस तरीके से देखें एक दो तीन तीन फंदे हमने बुने और आगे की साइड हम येलो कलर से बुनेंगे इस तरीके से यहाँ पे सभी फंदों को बुनना है यहाँ पे नीचे की साइड हम सभी फंदों को बुनेंगे ठीक है